नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी हैं या नहीं, क्योंकि वो संसद भवन में खुद को सबसे बड़ा ओबीसी बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा, इसी के जवाब में राहुल गांधी ने उड़ीसा के रैली में क्या कहा, सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे, नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। जैसा कि आपने देखा, राहुल गांधी वीडियो में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, आप लोगों का बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी तेली कास्ट में गुजरात में पैदा हुए थे। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। कि नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए, नरेंद्र मोदी जनरल कास्ट में पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी संसद भवन में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा उनके ऊपर निशाना साधते रहती है और कहती है कि सरकार में कितने ओबीसी हैं, किस पद पर कहां कितने ओबीसी बैठे हुए हैं, तो उनको सबसे बड़ा ओबीसी मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं। देखिए दोस्तों, कांग्रेस के हमारे साथियों को आजकल इस पर बहुत चिंता जताते हैं कि सरकार में ओबीसी कितने लोग हैं, कितने पद पर कहां, उसके हिसाब किताब करते रहते हैं। लेकिन मैं हैरान हूं, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। वहां आगे बढ़ करके बैठ जाते हैं। राहुल गांधी इस वीडियो में यह भी कहते हैं कि उनके कम्युनिटी को साल 2000 ईस्वी में बीजेपी ने ओबीसी बनाया। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे, उनको उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने 2000 साल 2000 में ओबीसी बनाया। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो पूरे देश भर में ओबीसी बोल बोल करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि पता है मैं कैसे जानता हूँ, क्योंकि वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी किसान का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ हाथ पकड़ते हैं तो अडानी का हाथ पकड़ते हैं। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता है मैं कैसे जानता हूँ कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए, वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और दोस्तों, मिंट न्यूज ने एक न्यूज साझा किया है, उसमें भाजपा के नेता केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने क्या सूचना दिया है, देखिए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। मिंट न्यूज ने यहाँ पर न्यूज साझा किया है, बीजेपी ने पीएम मोदी की जाति के बारे में सच्चाई साझा की, राहुल गांधी के दावे का खंडन किया, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एक राजपत्री अधिसूचना साझा की और कहा मोदी जी ओबीसी स्थिति को 27 अक्टूबर 1999 को मान्यता दी गई थी, मोदी जी ओबीसी 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी को गुजरात सरकार ने उन्हें मान्यता दी है। राहुल गांधी 2000 ईस्वी बोले, उनमें उनको बोलने में एक एक साल का डिफरेंस हो गया। राहुल गांधी ने कहा सन 2000 ईस्वी में उन्हें ओबीसी बनाया गया है गुजरात सरकार के द्वारा, लेकिन प्रहलाद जोशी कह रहे हैं कि उन्हें 1999 ईस्वी में ही ओबीसी बनाया गया है, तो ज़्यादा नहीं, एक एक साल का डिफरेंस है। लेकिन इन सभी बातों से एक बात साबित हो जाता है कि हमारे नरेंद्र मोदी पहले जनरल कास्ट में थे, उसके बाद उन्हें ओबीसी बनाया गया 1999 ईस्वी में। प्रहलाद जोशी ने इन सभी बातों का खुलासा किया। मिंट न्यूज के न्यूज को राहुल गांधी एक्स पर यानी कि ट्विटर पर साझा करते हुए देखिए क्या लिखते हैं। उन्होंने लिखा, मोदी जी जन्म से नहीं बल्कि कागजी ओबीसी हैं, वह अपने जन्म के 5 दशक बाद तक ओबीसी नहीं थे, मेरे इस सच पर मुहिर लगाने के लिए भाजपा सरकार का धन्यवाद। राहुल गांधी प्रहलाद जोशी को इस अधिसूचना पत्र के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और भाजपा सरकार का भी शुक्रिया अदा करते हैं। राहुल गांधी ट्विटर पर यह भी ट्वीट करते हैं कि मोदी ओबीसी नहीं है, इसलिए वो कभी भी जातिगत जनगणना नहीं करवाएगा, आपको जातिगत जनगणना कांग्रेस सरकार और राहुल गांधी करके दिखाएगा। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह के स्वतंत्र न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं रोहित राज ऑफिशियल, धन्यवाद।